जहाँ जहाँ रहूंगी मेरा सामान साथ होगा। वाह, यू दोनों करने का शौक था, कुल्ली बनने का नहीं। Hi guys, good morning and welcome. कल टीनू का बर्थडे है तो आज एक्चुअली संडे है एंड आज हमारा प्लान था दिन में पहले तो कि मैं और मेरी जो दो फ्रेंड्स हैं दीक्षा एंड करिश्मा हम तीनों मिलने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली दीक्षा का उसका एक्चुअली खुद का बिजनेस है, बुटीक है उसका, तो उसके बुटीक पे बहुत ज़्यादा काम है एंड वर्कलोड है तो उसने मना कर दिया। जनरली वो कभी मना नहीं करती है, यूजुअली या तो मैं कैंसिल करती हूँ प्लान या करिश्मा कैंसिल करती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उसको जेन्युइनली कुछ काम था तो उसने मना कर दिया, तो हमारा फिर वो जो प्लान है वो कैंसिल हो गया है। तो अब मैं, पहले हम लोग रिट्रीट ही जाने वाले थे तो अब मैं मम्मी पापा के साथ रिट्रीट जा रही हूँ उनको ले करके। तो मम्मी एक्चुअली अभी तक कभी रिट्रीट गई नहीं है, ना ही शायद पापा गए हैं, तो उन लोगों को दिखा करके लेकर के आ रही हूँ। एंड अगर हमको लगा तो हम लोग कुछ खाएंगे वहाँ पर, वो लोग पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बट मैं खाऊंगी क्योंकि वो लोग अभी बाहर का इतना खा नहीं रहे हैं। सो यस, एंड ये मैंने निकाला है पहनने के लिए दिस टॉप, ये मैं फर्स्ट टाइम आज पहनने वाली हूँ। ये मैंने अजियो से मंगवाया था एंड ये वाला जीन्स। तो मैं मस्त पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, दिखाती हूँ। नहीं, आपको आज ही दिखाऊंगी, मम्मी पीछे से कह रही है मैं पूरी तैयार हो जाऊँ तब दिखाना। ये मम्मी का ड्रेस, मम्मी के शूज, नए शूज, ये इनका जीन्स और ये कुर्ता। ये कुर्ता अपन ने मुंबई से लिया था ना एक साल पहले वाले नहीं, हाँ, एक साल। इस जनवरी में नहीं लिया था, 2020 के 19 वाले जनवरी, तो 2 साल मम्मी, तो ये 20 वाला आएगा। हाँ, तो 2 साल हो गए ना। हाँ, 19 वाले जनवरी में लिया था ये, तो ये वैसे ही रखा था, आज फर्स्ट टाइम पहनी है, है ना। जैकेट पहनोगे क्या? वो हाँ, तो फिर ठीक है, पहन के दिखा दो। लग बहुत सही रहा है, मैचिंग पूरा, पहनने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ हाँ ठीक है, ये लो, ये एकदम मैचिंग है। और ये मेरा ब्लैक, हाँ ऐसा, वाह वाह, मम्मी तो आज एकदम स्मार्ट लग रही है, स्मार्ट। और मैं ये ब्लैक पहनी हूँ तो मैं ये ब्लैक वाला, ये तो मेरा बहुत बार देखा होगा बिकॉज दिस इज माई फेवरेट। और आज मैं इन दोनों को लेकर के फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। जय माता दी, जय माता दी। चलो, जय माता दी। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर जाना था राइट और मैंने दिया था राइट का इंडिकेटर, और ये आदमी को जाना था सीधा, फिर भी ये राइट में से वहां से बीच में से घुस करके निकाला, इसलिए मैं इतनी तेज चल रही थी। लाइन लगी हुई है, कुछ लेना तो खड़ी है गाड़ी में। आउटसाइडर्स अलाउड है जी? आउटसाइडर्स कहाँ पे रखना है? वहाँ पे वेटिंग चल रहा है, अभी भी जो गाड़ी वेट कर रही है, वेटिंग चल रहा है। और पहली बार मेन सिटी के अंदर जाते हुए रुचि स्टाइल कॉर्नर विद हर फैमिली।
तो अब हम लोग आ गए हैं मिंटो हॉल। तो एक्चुअली ये पुरानी विधानसभा है, ये पुरानी विधानसभा है भोपाल की, जिसको कन्वर्ट करके उन्होंने रूफ टॉप पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट बनवा लिया है। कार है, रश बहुत ही कम है, हमारी कार है और एक और एक कार है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर उसकी शूटिंग हुई है राजनीति की, और भी दो तीन मूवीज की यहाँ पर शूटिंग हुई है सरकार वगैरह की, बहुत सुंदर है ये। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। तो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड अभी जब हम ऊपर जाएंगे तो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। ये है, आप यहाँ पर ओपन में भी बैठ सकते हैं, ओपन रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, आप चाहे तो अंदर बैठ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ओपन रेस्टोरेंट में बैठे थे एंड ये इतना सुंदर लग रहा था। मतलब मैं पहले भोपाल में इतना नहीं इधर उधर जाती थी, क्योंकि पहले टाइम भी नहीं मिलता था, ऑफिस रहता था और एक दिन छुट्टी का मिलता था तो अपने काम करते थे। बट अब जब से मैं मुंबई रहने लगी हूँ और अब मैं जब भोपाल आती हूँ ना, तो आई लिटरली वैल्यू things more। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये बिरला मंदिर है, ये भी वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट है। एंड ये पुराना जो भोपाल है, जब नेहरू जी वाला जो टाइम था ना, तब का पिक्चर्स है भोपाल का कि कैसा दिखता था। दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड सो पीसफुल। गॉड, यहाँ पे रोजेस देखिए, सो ब्यूटिफुल। तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल सी प्लेस है एंड डू कम हेयर इफ़ यू आर इन भोपाल और आप कभी भी भोपाल घूमने आते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर फ्लावर्स थे, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कराने की लोकेशन थी। चलो रेडी हो दोनों, तो हम लोगों ने अभी आराम से एकदम मिंटो हॉल घूमा है एंड पूरा घूमा है, बहुत सुंदर है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही इतना है ना, फर्स्ट टाइम घूम रहे हैं, मम्मी पापा फर्स्ट टाइम ही आए हैं। और सबसे बेस्ट चीज है कि रश नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई अभी तक तो हमको नीचे तो हमको कोई भी साथ, हाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। सो यस, एंड अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी पार्किंग में, और जाते टाइम भी शायद ही मैं गाड़ी चलाऊं क्योंकि रश ज़्यादा हो गया है। हाँ, यहाँ पे फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर हैं, सो ब्यूटीफुल, और ये रात में तो कितना ही सुंदर लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग घर पहुंच गए हैं सही सलामत। बीच में गाड़ी में एकदम बंद कर दी थी मैंने, ट्रैफिक जैम करा दिया था पीछे, फिर आके मैं एकदम घबरा जाती हूँ, तो मैं हैंड ब्रेक भी रिलीज़ कर देती हूँ और ब्रेक भी रिलीज़ कर देती हूँ, तो गाड़ी पीछे होने लगती है। तो आप भी इतने ज़्यादा रश में, तो मैंने फर्स्ट टाइम रात में निकाली है, तो लेकिन चलाई पूरी मैंने ही, क्योंकि जब तक मैं चलाऊंगी नहीं ट्रैफिक में तब तक मेरा डर जाएगा ही नहीं। तो मैंने चला लेके तो आराम से चली गई थी, लेके भी आ गई, बट हाँ बीच में एक बार जब बहुत सिग्नल नहीं था ना वहाँ पर, सिग्नल रहता है तो आराम से आप निकाल लो, ग्रीन सिग्नल होता है, रेड होता है, बट ये जो चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है उसमें निकालने में मुझे बहुत डर लगता है। हे गाइस, सो माय बैग इज रेडी और अब मैं चली हूँ घर। हाँ आई एम रेडी, सो बाय 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 बाय, आती हूँ चार दिन बाद। चलो 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 चलो। हे गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं AVH टीनू के लिए केक लेने। तो अभी तक हमको ये नहीं पता है कि हम कब कटिंग करेंगे, बिकॉज टीनू छः बोल रही हूँ, वो सुबह उठती है 5 बजे, 5, 5:30, 6 बजे तक वो उठ ही जाती है एनी हाउ। तो अब दिन में वो सोती नहीं है, तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, वो रात को 9 मैक्स टू मैक्स 9:30
बजे वो सो जाती है, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ सो जाते हैं, 10:30 तक मेरी मदर इन लॉ सो जाती है। तो शायद से घर में थोड़ा होता है ना, अभी रात 12 बजे का इन लोगों को सीन समझ में नहीं आता है भाई, पेरेंट्स वेरेंट्स को, तो 12 बजे वाला हम केक शायद ना कट करें, तो क्योंकि सब सोए हुए रहेंगे, आधी नींद में रहेंगे, क्या जगाएंगे उनको, ठंड का टाइम भी है, तो फिर कल सुबह आराम से सबके साथ में केक कटिंग कर लेंगे, वैसा सोच रहे हैं। तो अगर अभी शॉप बंद नहीं हुई होगी केक वाली तो हम अभी ले लेंगे। तो हम लोगों ने जो केक है वो ले लिया है, ये पीछे रखा हुआ है, भोपाल में बेस्ट केक मिलता है ABH का, आमिर बेकरी हर वाली, इसको सबको पता होगा। बेकिंग शेक का भी अच्छा है बट ABH का मुझे ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू बेकिंग शेक। घर मतलब इन-लॉज वाले घर जा रही हूँ मैं, पीछे मेरा बैग भी रखा हुआ है, तो मैं आजकल ज्यादा कपड़े लेके जाती नहीं हूँ, सिर्फ जीन्स रखती हूँ साथ में और पुलओवर है वो रखती हूँ, बाकी सब मेरे मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, आधे मेरे घर पे रखे हुए हैं घर में पहनने वाले और आधे 8 से 9 नाइट सूट्स मैंने अपने इन-लॉज के घर पे रख दिए हैं, तो वैसा तो अब इजी रहता है, मतलब एक ही बैग में सब आ जाता है, नहीं तो पहले मैं दो दो तीन दिन बैग लेके जाती थी, लैपटॉप का अलग, गाना गाते हुए जाती थी, मैं जहां रहूंगी मेरा सामान साथ होगा। विक्की मुझे बोलता है जैसे हम लोग कुछ भी बात करते हैं ना, तो विक्की बोलता है हाँ ये तो छोड़ चलता है, मैं बहुत पजेसिव हूँ अपने सामान को लेकर के, मतलब ट्रॉलियां भर भर के लेके जाती है भाई, मैं ट्रॉली भर भर के नहीं लेके जाती हूँ। हाँ शादी करने का बड़ा शौक था, शादी करने का शौक था, कुली बनने का नहीं, कुली बनने का आपको मैंने कब बोला कि आप मेरा सामान ढो के चलो, गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा होता है मॉडर्न कुली जा रहा है, पूरी गाड़ी भरी हुई है, ऊपर सीलिंग का भी सामान रखवाती है ये तो। ये कब हुआ? ये हो जाएगा थोड़े दिनों में, जिस हिसाब से आपका सामान बढ़ रहा है। कुछ भी है, कुछ भी, विक्की एकदम इग्नोर। तो आज का जो वीडियो है वो मैं यही खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन। मैं सच बता रहा हूँ भाइयों, जब फर्स्ट टाइम भोपाल में अकेला आया था ना, गाड़ी दौड़ाते वो 25 का एवरेज दिया था गाड़ी ने, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई सामान ही नहीं था, मैं अकेला आदमी बैठा हुआ था, और उसके बाद जो गाड़ी ने 18 का एवरेज भी नहीं दिया है, इतना सामान आता है। कौन से भाइयों को बता रहे हो, बहनें देखती है वीडियो, तो बहनों जो भी है सबको समझ में आना चाहिए। शादी करी है तो निभाना तो पड़ेगा, शादी करने का बड़ा शौक था। जब फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे ना और विक्की को पता चला कि मैं 10 बैग लेके गई थी ना, 10 बैग लेकर के जा रही थी, तो विक्की वो शॉक्ड, तो मैं तभी सनक गई थी, मैंने कहा भाई ये क्या है, हाँ इतना क्या हंगामा जा रहा है, सामान ही तो है, सामान तो जाएगा ना मेरे साथ, मैं जाऊंगी तो वैसा। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।